नमस्कार, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय भैरवताला परिसर। आपको बता दें कि यहाँ भी छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। वाराणसी में सबसे पहले छात्र संघ चुनाव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुआ। उसके बाद छात्र नेताओं ने अपने विभिन्न कॉलेज, जो भी विद्यापीठ संबंधित कॉलेज हैं, वहाँ पर चुनाव सम्पन्न कराने की मांग की है। जिसके मद्देनज़र यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलदेव पीजी कॉलेज और भरत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज में भी चुनाव हो रहा है। आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज के कुछ छात्र नेता और प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार पटेल, मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज से। आप किस ईयर में हैं और आपका जो कि कौन सा कोर्स है? मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ, मेरा विषय समाजशास्त्र और भूगोल है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया जिसके पश्चात जो कि छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया। अभी तक छात्र संघ चुनाव में महामंत्री रहे होंगे, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी रहे होंगे, चुनाव लड़े, अध्यक्ष बने, उनमें से कुछ ने काम किया, कुछ लोगों ने काम नहीं किया, जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन आपका अपना क्या मैनिफेस्टो है? आप छात्रों के लिए क्या करेंगे? छात्र आपको क्यों वोट करें? जैसे कि सभी छात्र हुए हैं, छात्र नेता हुए हैं, लेकिन जैसे कि छात्र मतलब कि छात्रों के लिए अगर शिक्षा नीति बदली जा रही है तो किताबें भी बदली जानी चाहिए ना। हमारी सबसे पहली यही कार्यक्रम होगी अगर चुनाव जीतने के बाद पहले किताबें चेंज की जाए, क्योंकि इसमें किताबें बहुत पुरानी है, छात्रों को पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और उसके बाद फिर जो और यहाँ पर साइकिल स्टैंड के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं, पहले सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा किताब को चेंज कराना। आपके यहाँ विद्यालय में जो कि प्रमुख समस्या किताब की है? हाँ, क्लासेस वगैरह ऐसा होता है कि वहाँ विद्यालय में क्लासेस नहीं चल पाते हैं, अध्यापक नहीं आते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, रेगुलरली क्लासेस चलती है, मतलब किसी दिन बस क्लासेस नहीं चलती किसी कारणवश, और रेगुलरली क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। महाविद्यालय में अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ छात्र नेता लोग ही जो है कि माहौल को बिगाड़ते हैं, और ऐसा होता नहीं है, बस तथाकथित चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, केवल अगर मान लीजिए माहौल छात्र नेता बिगाड़ते हैं तो केवल चुनाव के टाइम ही बिगाड़ते होंगे ना, बाकी टाइम तो सही रहना चाहिए चुनाव। ऐसी कोई बात नहीं है, छात्रों की गलत वो प्रसंग होना बहुत ज़रूरी है। छात्र अपनी बात किससे कहें, उनकी बात कौन सुने? सब लोग नहीं होते कि जाकर सीधे ऑफिस में बात करें, कुलपति से बात करें, प्राचार्य से बात करें, ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। छात्रों का प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए छात्र संघ चुनाव संपन्न कराया जाता है। और महामंत्री पद के प्रत्याशी जो आशीष कुमार पटेल जी हैं, वो भी हम बता रहे थे कि वो जो है कि क्लासेस रेगुलर चलें, पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जो है कि साइकिल स्टैंड की व्यवस्था, सभी चीज़ों को पुख्ता जो है कि उनका मैनिफेस्टो और इस पर काम करना चाहते हैं। और अच्छी बात भी है कि सबसे बड़ी चीज़ पुस्तकालय होती भी है किसी भी जो है कि विश्वविद्यालय में, किसी भी विद्यालय में पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ छात्र शांतिपूर्ण उनको माहौल मिलता है और बढ़कर पढ़ाई कर सकता है। लेकिन यदि पुस्तकालय में पुस्तकें ही न हो तो पढ़े क्या? और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है कि बहुत सारी चीज़ें बदली गई, तो उसके अनुसार लाइब्रेरी में जो है कि किताबें होनी चाहिए। आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ एक अपना वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं, यही मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आशीष कुमार पटेल जी के कुछ समर्थक हैं जो दिन रात उनके साथ हैं, और कहा जाता है ना कि जो है कि जब आपके साथ आपके मजबूत साथी खड़े हो तो आप किसी भी जो है कि चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम बातचीत करना करेंगे क्या माहौल है, क्या आशीष चुनाव क्या यहाँ पर जो है कि अनुशासन किस तरह से है, छात्रों में मारपीट तो नहीं ना है, जो कि आपस में जो है कि कोई क्रूरता तो नहीं है, कैसा? आप अपना परिचय दीजिए। और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज को वरिष्ठ नेता रिंकू कुमार पटेल, मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। क्या माहौल है परिसर में जो है कि आशीष कुमार पटेल जी का? बढ़िया कॉलेज में छी है, और उनका रेगुलरली क्लास है, सब कुछ इनका अच्छा है। आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज से छात्र नेता रह चुका हूँ, और मेरा नाम है रोहित मौर्या, पास आउट हो चुका हूँ इस टाइम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आशीष पटेल के साथ थे, और तो बहुत सारे छात्र नेता हूँ, कुछ तो इनमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आप आशीष पटेल को सपोर्ट करें, क्या चीज़ें हैं छात्रों को बताएं?
मैं आशीष पटेल के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर लोहिया कॉलेज में क्या है ना, बहुत जो बच्चों के साथ एकदम बीच में रह सके, लड़कों से लड़कियों से उनका हर एक हर एक सवाल का आंसर कर सके, इसलिए मैं आशीष का साथ हूँ। और ये बंदा है कि क्लास रेगुलर करता है ताकि हर एक लड़के भाई बहन जो हैं सभी लोग इनको जानते हैं, इसके लिए मैं इनके साथ हूँ। और मेरा एक तरह से मैंने मेरा छोटा भाई है ये। मैंने बहुत अच्छी बात कही कि छात्र नेता होकर भी रेगुलर क्लास करना ये कोई आम बात नहीं है। अक्सर यही होता है कि छात्र नेता जो है कि आपस में जो है कि शुरू से ही हमें लगता है कि उनका मकसद ही होता है महाविद्यालय में आकर चुनाव लड़ना, तो प्रारंभ से ही जब निकल लेते हैं उसके बाद से ही प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छी बात है कि छात्र नेता होकर भी रेगुलर क्लास करना, अब इनके बातों में कितनी सच्चाई है क्या करते हैं अब जो कि आशीष ही जाने और उनके समर्थक ही जाने। खैर बहुत अच्छा लगा हमसे बातचीत करने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।